हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार की तरफ से आई एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपनिंग के बारे में। यहाँ पे काफी सारी बल्क में हायरिंग है, फ्रेशर भी इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास आउट भी इस जॉब के लिए गाइस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ गाइस यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला, क्या पे सैलरी पैकेज कहाँ मिलेगी, लोकेशन क्या होने वाला है, क्या काम करना पड़ेगा और क्या गाइस यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसीजर होगा। इन सारे चीजों के बारे में गाइस डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल पाएगी गाइस। और अगर आप ऐसे बहुत सारे जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जॉब के अपडेट, जेन्युइन जॉब के अपडेट गाइस डेली मिलेंगे और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये ओपनिंग बेसिकली पॉलिसी बाजार की तरफ। तो गाइस अगर हम प्रोफाइल की यहाँ बात करते हैं, ये बेसिकली गाइस कस्टमर सर्विस का यहाँ प्रोफाइल होने वाला, एसोसिएट कस्टमर ऐसा करके आपको यहाँ डेजिग्नेशन मिलने वाला गाइस। सैलरी पैकेज अगर हम बात करें गाइस, तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख से 3 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी पैकेज मिलेगा गाइस। तो आई एम श्योर अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड सैलरी गाइस। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फ्रेशर तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास आउट भी गाइस डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर हम बात करें किस किस शहरों के अंदर गाइस यहाँ पे ओपनिंग गाइस, तो ये बेसिकली मोहाली, मेरठ, आगरा, कोल्हापुर के आसपास के लोकेशन के यहाँ से बिलोंग करता है। बट अगेन गाइस अगर आप इन लोकेशन से किसी और जगह से बिलोंग करते तो भी यहाँ पे एक एचआरआर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उस लोकेशन के आसपास की जानकारी ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब गाइस क्या सर मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो आप उनसे डेफिनेटली बात करके उस जगह के लिए भी अप्लाई करते हैं। बिकॉज पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ी कंपनी और यहाँ पे बैक टू बैक हायरिंग हमेशा चलती रहती है, तो उनसे आप एक रेफरेंस लेकर के आप जिस भी लोकेशन से बिलोंग करते वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेसिकली कस्टमर सपोर्ट का यहाँ पे जॉब होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पार्ट है कि आपका जो कम्युनिकेशन है हिंदी इंग्लिश में, वर्बल और रिटन दोनों ही काफी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपको लिखने में इंग्लिश हिंदी दोनों ही अच्छे से आता हो, और इसके अलावा आप अच्छे तरीके से बोल पाते हैं इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जिसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम का सेटअप होना चाहिए, लैपटॉप, पीसी, वाईफाई आपका अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कॉलिंग कर पा रहे हैं, बैकग्राउंड में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ें गाइस आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, साथ आपकी जो पर्सनैलिटी काफ़ी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस। आगे बढ़ते हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन होने वाला गाइस। सो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जॉब का डिस्क्रिप्शन ये होने वाला है कि जो भी कस्टमर यहाँ पे हैं पॉलिसी बाजार के, जो भी कस्टमर ले रखा है यहाँ पे ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट, आप उनके जो भी क्वायरी, जो भी इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना, उनके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना थ्रू मेल, चैट, कॉल, जिस भी जरिए से वो आपसे बात करना चाहते हैं उसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना, उनसे बात करना है। इसके अलावा जो भी पॉलिसी बाजार के प्रोडक्ट गाइज आपको वो कस्टमर के सामने ले जाकर रिप्रेजेंट करना है, जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर, जो भी लीड यहाँ के, उनसे बात करना आपको, और उनसे बात करके उनको सपोर्ट करना, बेसिकली उनको आपको कन्वर्ट करना इनटू सेल्स। ये बेसिक यहाँ पे क्राइटेरिया होना, इट इज नॉट अ प्रॉपर सेल्स प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टारगेट वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको बस उनसे बात करना बेसिक तरीके से, आपको गाइड करना उनको, और उनको जो उनका जो सेल हो क्लोज, तो सेल्स का जो टीम होगा, सेल्स के जो मेंबर होंगे वही करने वाले हैं गाइस। और गाइस इसके अलावा जो भी आपको काम यहाँ पे दिया जा रहा है डे टू डे बेसिस पे, आपको मेक श्योर करना है कि आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और उसका आप रिपोर्ट अपने मैनेजर को, अपने सुपरवाइजर को दे रहे हैं कि आपने आपको जो भी टू डू दिया जाएगा डेली का, आप उसको टाइमली अचीव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको गाइस यहाँ पे काम करना, ये आप यहाँ पे काम गाइस होने वाला। गाइस आगे बढ़ते हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना गाइस। तो इसके लिए मैंने आपको 2naukri.com के लिंक दे रखे गाइस, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया गाइस, मैं टेलीग्राम में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारे जॉब की ओपनिंग में यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो अगर इनकेस यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, किसी और जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मैं दिन के 5 से 10 जॉब्स डालते रहता हूँ, सारे के सारे जेन्युइन और अच्छे जॉब होते, तो आप वहाँ से भी उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज द रीजन आई पोस्ट देयर वहाँ पे आप, बिकॉज गाइस एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट कि आपको जॉब मिले, सो दैट इज द रीजन आई एम पोस्टिंग ऑल दिस जॉब इन द टेलीग्राम। तो आप वहाँ पे आकर के वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। और द सेकेंड रीजन गाइस कि यहाँ पे आइडली ऐसे यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे किसी के नंबर वगैरह से शेयर नहीं कर सकते, सो दैट्स द सेकेंडरी रीजन जिस वजह से मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। आप वहाँ से जाकर के 2 लिंक है, वहाँ से आपको अप्लाई करना। naukri.com पे अगर आपका प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है तो आप वहाँ से अप्लाई ना करके, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बट जो मेन आपका काम गाइस, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उस पर आपको इनका अपना रिज्यूमे भेजना है। आपको मेक श्योर करना गाइस कि आपने अपना प्रॉपर तरीके से रिज्यूम बना। रिज्यूम इज गोइंग टू बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। दैट इज द रीजन कि आपको हो सकता है सिलेक्शन नहीं होता है, हो सकता है कि आप कस्टमर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने वहाँ पर सेल्स की चीज़ डाल रखी है, या फिर आपने किस किस और मेंशन कर रखा है,
इस वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं होना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने रिज्यूमे प्रॉपर तरीके से बना रखे। देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से बना सकते हैं, सिर्फ देख करके आप बना सकते हैं। तो आपको इस पहले तो naukri.com से अप्लाई करना, सेकेंड आपको जो ईमेल जो मैंने नंबर दिया उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, प्रॉपर तरीके से आपका रिज्यूम डालना, आपको बताना है कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना। और इसके बाद अगर आपके पास 4 से 5 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास नहीं रिवर्ट आता, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल भी आप वीकडे पे करिए और 10 to 6 PM के अंदर करिए। इस टाइम पे आप कॉल करके उसे आप फॉलोअप ले सकते हैं कि आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, राइट गाइस। सो आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गाइस। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी राय है, कोई भी चीज़ बताना आपको किसी भी जॉब के बारे में आप जानना चाहते हो, सारी चीज़ें आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कि आपको किसी और जॉब की रिक्वायरमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उस उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइस आई एम हियर फॉर योर सपोर्ट। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप हमें कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड गुड लक फॉर द इंटरव्यू।